राजधानी में राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी पीठ सभागार में चल रही संगोष्ठी के दौरान छात्रों ने हंगामा कर दिया और विश्वविद्यालय के विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध जताया और साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग की और कुलपति का पुतला भी फूंका, जिसके बाद शिक्षकों के समझाइश पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन को जैसे तैसे बंद किया। इस दौरान संगोष्ठी में मंत्री सुभाष गर्ग, कुलपति आर के कोठारी, गांधीवादी नेता डॉक्टर एस एन सुब्बाराय भी मौजूद रहे। और आपको बता दें, यहाँ भारतीय साहित्य और समाज में महात्मा गांधी की भूमिका विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। देखिए, पिछले 1.5 साल से विशेष आपका कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन मैं शोध छात्र संघ प्रतिनिधि होने के वजह से या फिर यहाँ के एक जागरूक स्टूडेंट होने के कारण मैं पिछले जो मेरा कार्यकाल उसमें मैं देख रहा हूँ कि मैंने इतने ज्ञापन और इतनी मीटिंगें और पॉजिटिवली बात करने के बाद में विशेष साहब से मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब मानविकी पीठ सभागार भवन के लिए 5 करोड़ रुपये आज से 2 साल पहले सैंक्शन हो गए, उस पैसे का क्या किया? एक जो एक पहले के पदाधिकारी थे उन्होंने अपने निजी फर्म को पैसे दे दिया और उसका आज तक हिसाब नहीं आया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।